नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरीली आवाज के जादूगर, मेलोडी किंग, इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा साहब का। और दोस्तों, आज ही के दिन हरमेश जी इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। 22 नवंबर 2005 को इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। और हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने हरमेश मल्होत्रा साहब के से बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ दी हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने हरमेश मल्होत्रा साहब के कितने निर्देशित फिल्म है जिनमें अपनी आवाज़ दी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने हरमेश मल्होत्रा साहब के निर्देशित फिल्म में पहली बार सन 1985 में आई फिल्म फांसी के बाद और गीत के बोल हैं महबूब मेरे मैंने चुपके से, इस गीत को पहली बार गाया था और इस फिल्म का संगीत अनु मलिक साहब ने दिया है। और दोस्तों, ये गीत आप लोगों ने सुने ही होंगे, बहुत ही जबरदस्त है। और इसी फिल्म में ही मोहम्मद अजीज साहब ने हरमेश मल्होत्रा साहब के निर्देशित में पहली बार अपनी आवाज दिया था। महबूब मेरे मैंने चुपके। और इस फिल्म के बाद फिर क्या था, और ऐसे 80 और 90 के दशक के बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज दी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को 1986 की फिल्म नगीना तो याद ही होगा। इस फिल्म में हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने दो गीत गाए थे। पहला है आजकल याद कुछ और रहता नहीं, और दूसरा है तूने बेचैन इतना ज्यादा किया। और इन दोनों फिल्मों का लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था और संगीत तो आप लोगों को पता ही है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म का डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा साहब ही थे। और ये फिल्म का गीत जो है वो बेहद ही ज्यादा लोकप्रिय हुई। और इस फिल्म के बाद फिर क्या था, इनकी जोरिन जैसे फिल्मों की लाइन ही लगा दी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को 1988 की फिल्म शेरनी तो याद ही होगा और गीत के बोल हैं कोई मर्द मिला ना ऐसा। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब और आशा भोसले जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और लिरिक्स अनजान साहब ने दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1989 में आई फिल्म विद्रोही और गीत के बोल हैं सबका मसीहा सबका सहारा। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब और हेमलता जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी और इस फिल्म का संगीत उषा खन्ना जी ने दी है। और इस फिल्म के बाद सन 1989 में ही आई फिल्म निगाहें, यह फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगा। और इस फिल्म में एक गीत थी, गीत के बोल हैं सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। जी हाँ दोस्तों, ये गीत बेहद ही ज्यादा लोकप्रिय हुई थी और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। और इस फिल्म के बाद सन 1991 में आई फिल्म बंजारन, यह फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगा जो बेहद ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। इसके साथ ही इसमें मोहम्मद अजीज साहब ने हरमेश जी के निर्देशित में कई ऐसे गीत हैं जो गाए हैं। आप लोगों को तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, ये जीवन जितनी बार मिले, और इसके साथ ही और ऐसे कई गीत हैं जिन गीतों को मोहम्मद अजीज साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में अपनी आवाज दी। और इस फिल्म के बाद सन 1992 में आई फिल्म हीर रांझा, जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा। इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने कई गीत गाए थे और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और इस फिल्म का डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा साहब ही थे। जी हाँ दोस्तों, हीर रांझा फिल्म के जितने भी गीत थे सभी बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे और इस फिल्म में करीब 3 सॉन्ग मोहम्मद अजीज साहब ने गाए थे। और हीर रांझा के बाद सन 1995 में आई फिल्म पापी देवता, यह फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगा। इस फिल्म में लीड रोल पे धर्मेंद्र साहब और जितेंद्र जी हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, इसमें दो गीत मोहम्मद अजीज साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में अपनी आवाज दिए थे। आइए कौन कौन से गीत हमें आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है सावन की बादलों की नीयत बड़ी खराब थी, और दूसरा है कुछ मैं कहूँ कुछ तू कहे। इन दोनों गीतों को मोहम्मद अजीज साहब ने हरमेश मल्होत्रा जी के निर्देशित में आखिरी बार अपनी आवाज दिया था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अजीज साहब ने हरमेश मल्होत्रा साहब के जितने भी निर्देशित फिल्म हैं उनमें अपनी आवाज दिया है, उनमें का जो गीत है वो बेहद ही ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। चाहे वो नगीना फिल्म के गीत हो या फिर निगाहें फिल्म के गीत हो या फिर हीर रांझा फिल्म के गीत हो या पापी देवता फिल्म के गीत हो, जितने भी फिल्मों में अपनी आवाज दिए हैं उनमें का जो गीत
गीत है वो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं और आप लोगों ने गीत सुने ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज ही के दिन 22 नवंबर 2005 को हरमेश मल्होत्रा साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप लोगों को मोहम्मद अजीज साहब और हरमेश जी के जो शानदार जुड़ी की शानदार वीडियो जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है इनकी जुड़ी का जो गीत है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा साहब का। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।